नमस्कार दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में लगातार अभी आपने देखा पिछले कुछ दिनों में, चार दिनों में चार अटैक हुए कम से कम, और उसमें कई सारे हमारे जो जवान थे वो घायल हुए, कई एक जवान की उसमें डेथ हो गई, एक हमारे जो सिविलियन थे उनकी डेथ हो गई। तो ये जो पूरी घटनाएं हैं जो चारों हुई हैं, उसके बाद से सिक्योरिटी एजेंसीज की एक्टिवनेस आपको जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा दिख रही होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक दौरा भी था जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में उनका दौरा था, वहाँ पर भी मीटिंग हुई, तमाम चीज़ें हुई। अजीत डोवाल वहाँ पर विजिट करते हैं, उसके बाद जो वहाँ के LG हैं उनका बयान आप सुनते हैं, सारी चीज़ें जो एक्टिवनेस है सिक्योरिटी फोर्सेज की वो काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है। अब वहीं से सोर्सेज की खबर ये आ रही है कि कम से कम 40 से 50 टेररिस्ट जो हैं, जो कि पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं और वो इन्फिल्ट्रेट करके भारत में घुसे हुए ना, ये बहुत समझने वाली चीज़ है कि पहले जो टेररिज्म है, देखो जम्मू कश्मीर में टेररिज्म का दो फेज़ है। एक फेज़ वो है जहाँ पर वो आप सुनते हो कि वो कश्मीरी यूथ को रेडिकलाइज करके और फिर उनको दे हैव टू बी ब्रॉट इनटू द टेररिज्म, और फिर वो टेररिज्म आउटफिट्स बनाते हैं छोटे छोटे अपने और फिर वो ऐसे छोटी मोटी घटनाएं करते हैं। वो एक डिफरेंट फेज़ था, वो JKLF का फॉर्मेशन एंड ऑल वो सब आप जानते हो। लेकिन दूसरा जो फेज़ हुआ वो मॉडर्न फेज़ है, द मॉडर्न फेज़ इज़ द इंटरनेट फेज़। और इस फेज़ में क्या हुआ कि अब मॉनिटरिंग बहुत ईजी हो चुकी है। अगर कोई वैसी साइट्स को रीच करता है या वैसे ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है या कैसे भी उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, तो मॉनिटरिंग बहुत आसान हो गई है। तो लोकल्स यूथ जो हैं वो डायरेक्टली टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं है, तो इसलिए आपको ये फॉरेन टेररिस्ट अब देखने को मिले हैं, और इसीलिए फॉरेन टेररिस्ट की ये जो घटनाएं हुई हैं रिसेंट में वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये दो फेजेस अलग अलग, और ये एक पूरा पेपर है, रिसर्च पेपर है जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म के ऊपर, जिसकी मैं आपको ये बात बता रहा हूं। तो अराउंड 40-50 फॉरेन टेररिस्ट अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेज का ऐसा कहना है, वहां से सोर्सेज का ऐसा कहना है कि वो अभी भी जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में प्रेजेंट हैं। अगर मैं और स्पेसिफिकली बोलूं तो कश्मीर के रीजन में भी नहीं बल्कि जम्मू के रीजन में प्रेजेंट हैं, और इसीलिए जम्मू एंड कश्मीर में जो एकदम से हाई अलर्ट के माहौल हैं, आप देखो कि जगह जगह पर ब्लॉकेजेस, जगह जगह पर फोर्सेस, सिक्योरिटी चेक्स सिटी में भी, मतलब पहले जम्मू में सिक्योरिटी चेक्स जो होते थे वो सिटी के अंदर नहीं होते थे, वो सिटी के बाहर होते थे या जम्मू के आसपास के रीजन में, क्योंकि इट वॉज काइंड ऑफ पीसफुल रीजन जम्मू का आसपास, जम्मू सांबा कठुआ या डोडा, ये सारे एरिया को पीसफुल रीजंस माना जाता था, उधमपुर को भी आप ले लो उसमें। तो यहाँ पर ऐसे कोई टेररिस्ट अटैक होते नहीं थे, ऐसा कोई टेररिस्ट ग्रुप बहुत एक्टिव नहीं था, तो इस वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस शहरों के अंदर कभी रेकी नहीं करती थी, लेकिन अभी आपको वो नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं इस पूरे रीजन में, बिकॉज इनका ऐसा मानना है कि 40 से 50 जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं आपकी बात बताऊँ तो देखो, अभी जो है ना जम्मू एंड कश्मीर में, उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इसकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी गई थी। जैसे कि आप टेरर आउटफिट जैश ए मोहम्मद का नाम सुनते हो, जैश ए मोहम्मद को अगर आप देखोगे तो 2019 के बाद बाय एंड लार्ज जैश ए मोहम्मद को एक तरीके से पुलवामा के बाद पूरी कमर उसकी तोड़ दी गई थी। उनके जितने छोटे छोटे ऑफशूट्स थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर में काम कर रहे थे, उनको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था, पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था। लेकिन अभी जो ये दोबारा से इन्फिल्ट्रेशन नज़र आ रहा है, ये एक मैसेज देने की कोशिश है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। रिसेंटली क्या हुआ है, क्योंकि देखो वैष्णो देवी मंदिर जो है, और इसीलिए आप ये घटनाएं देखो ना, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आप कश्मीर को अलग करो, मैं अभी आपको मैप से वैसे तो समझा दूंगा, तो जम्मू का नीचे वाला जो रीजन है उसमें ये सारी घटनाएं हो रही हैं, बिकॉज वहाँ की जो पॉपुलेशन है बाय एंड लार्ज वहाँ पर टूरिस्ट आकर के रुकते हैं, वो टूरिस्ट के रुकने की जगह है और टूरिज्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जम्मू का रीजन है, बहुत लोग जो है वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं, अब तो कटरा में डायरेक्ट स्टेशन बन चुका है, लेकिन पहले जो जम्मू में लोग जाकर के रुकते थे, कटरा में लोग जाकर के अब रुकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे मंदिर हैं, सांबा में एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है, वहाँ पर जो लेक है वो बहुत फेमस है। उसके अलावा अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो उसके लिए जो टूरिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा गैदर हो रहे हैं। ये सारी चीज़ों के बीच में जो टेररिस्ट हैं वो ऐसी छोटी छोटी घटनाएं करके ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट सेफ, सो डोंट विजिट इन जम्मू एंड कश्मीर। और यही तो उनका मंसूबा भी है ना, कि वहाँ पर इलेक्शंस ना हो, वहाँ पर लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट ना करें, टूरिस्ट वहाँ पर ना आए, लोग वहाँ पर ना आए, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का एक प्रॉपर इंक्लूजन ना हो पाए इंडिया में। दिस इज़ देयर मोटिव, और वही वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देखो, उन्होंने ऑपरेट करने का अपना जो तरीका है वो बिल्कुल बदल दिया है। 2019 तक अगर आप देखोगे तो जम्मू कश्मीर में कोई घटना होती थी तो बाय एंड लार्ज बड़े स्केल पर घटना हुई
एक दिन हुई और उसके बाद पूरी तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेस उनको क्रैकडाउन कर देती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि चार दिन में चार छोटी छोटी घटनाएं हुई, मतलब दो तीन के ग्रुप्स बना करके ये लोग ऑपरेट कर रहे हैं और वही इनका नया ऑपरेट करने का बिल्कुल तरीका है। स्मॉल टीम्स बनाओ, दो तीन के ग्रुप्स बनाओ और फिर वहां पर ऑपरेट करने की कोशिश करो। और ये बड़ी मात्रा में इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस का दो मेजर एरियाज में यहां पर लैप्स दिखाई दे रहा है। पहला लैप्स यहां पर दिखाई दे रहा है हमारी बॉर्डर पुलिसिंग में, कहीं ना कहीं इतनी बड़ी मात्रा में, देखो एक दो अगर इन्फिल्ट्रेट करते हैं तो उस बात को समझा जा सकता है, लेकिन 40-50 आतंकवादी लगातार इन्फिल्ट्रेट के, इसका मतलब ये है कि हर दिन दो तीन करके एक महीने तक ये लोग घुसे हैं पूरे हमारे बॉर्डर के अंदर में। तो 40-50, कई सारे उसमें मारे भी जा चुके हैं तब भी 40-50 बचे हुए हैं वहां पर। तो इसका मतलब ये है कि बड़ी मात्रा में इन्होंने इन्फिल्ट्रेट किया है बॉर्डर के थ्रू हमारे कंट्री में। उसके बाद दूसरी चीज़ है कि सेकंड चीज़ जो होती है, सेकंड टायर सिस्टम होता है। देखो दो टायर सिस्टम होते हैं, एक तो डायरेक्ट सिस्टम होता है जो हमारी मेन पुलिसिंग है कि हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर मौजूद है, हमारी इंडियन आर्मी वहां पर मौजूद है, हमारे CRPF के जवान वहां पर मौजूद हैं, एक तो ये हो गया। दूसरा पुलिसिंग होता है जो लोकल पुलिसिंग आती है, मतलब कि लोकल जम्मू कश्मीर की पुलिस, उसके साथ साथ उनका इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी कि उनके इन्फॉर्मेंट्स जो होते हैं। अब जैसे आप देखो गाँव में, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, गाँव में क्या होता है कि गाँव में कोई भी पर्सन बाहर का आता है तो गांव वाले में इन मीन 3.5 लोग रहते हैं गांव में, वो हर आदमी को जानते हैं, तो कोई भी नया सा पर्सन दिखता है उसको रोक लेते हैं, पूछ लेते हैं, हाँ भाई कहाँ, किसके घर आए हो, क्या है, आपने भी देखा होगा, ये बहुत कॉमन चीज़ है गांव में। वैसी चीज़ भी आप देखो कठुआ का रीजन जो है वो बाय एंड लार्ज गांव है, जम्मू सिटी को अगर आप हटाओ तो बाकी डोडा देखो, उधमपुर चले जाओ उसमें तो आसपास सारे गांव हैं, और जो टेररिस्ट छुपे भी हैं ये भी सारे गांव में ही छुपे हुए हैं। तो गांव के लोगों को कहीं ना कहीं वो बिल्कुल आइडिया लगा नहीं वहां पर, तो ये इन्फॉर्मेंट्स का एक बहुत बड़ा फेलियर दिखाया जा रहा है कि देखो बाहर के पर्सन को देखते हैं। जैसे आपने देखा था जब डोडा में अटैक हुआ तो वहां पर गांव वाले ने बोला कि हमने देखा एक पर्सन को, वो अजीब सा हमें लगा, वो हमें बाहर का लगा, तो हम समझ गए कि ये हमारे गांव का पर्सन नहीं है या ये जम्मू कश्मीर का भी आदमी नहीं है, ये बाहर से ही आया हुआ है, इसकी भाषा से समझ में आ रहा था, तो हमने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो वही बात है, तो वो कहीं ना कहीं जो लोकल इन्फॉर्मेंट्स का नेटवर्क है पुलिस के साथ में, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया है, उसमें एक बहुत मेजर सिक्योरिटी लैप्स दिखाई दे रहा है। इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में 30 से 40 से 50 टेररिस्ट जो हैं, जो कि पाकिस्तान के हैं, जो कि लोकल टेररिस्ट भी नहीं है, जो कि मैंने आपको बताया कि दो टेररिज्म के फेजेस हैं, तो दूसरे फेज के टेररिस्ट हैं, उनको भी रेक्टिफाई करने में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो नाकाम रहीं। और इसीलिए अब जम्मू कश्मीर की हालात अभी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, बिकॉज दिखाया तो यही जा रहा है ऑब्वियसली कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल हैं, बट अभी वो हालात काफ़ी ज़्यादा नाजुक हैं। अब अगर आप मैप के थ्रू समझने की कोशिश करोगे कि पहले ये लोग कहाँ पर ऑपरेट करते थे, अब ये कहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस का भी साफ साफ यही कहना है कि अब जो इनका ऑपरेशन है वो आप देखिए कि इन्होंने जो रिपोर्ट छापी है इसमें साफ साफ लिखा है कि अब जो इनका ऑपरेशन है वो पीर पंजाल रेंजर्स के साउथ वाले रीजन में है। अब अगर आप मैप के थ्रू देखो तो ये जम्मू एंड कश्मीर का मैप है और यहां पर जो ऑरेंज से आपको बीच में दिखाई दे रहा होगा ये है पीर पंजाल रेंजेस है, और ये पीर पंजाल रेंजेस एक तरीके से आप समझ लो कि जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करती हैं। नीचे का रीजन को आप बाय एंड लार्ज जम्मू ले सकते हो, बाय एंड लार्ज मैं कह रहा हूं, स्केल के थ्रू एकदम मत नाप लेना, बाय एंड लार्ज आप नीचे का पीर पंजाल के नीचे का रेंज जम्मू है और पीर पंजाल के ऊपर का एरिया कश्मीर है। तो जो पहले टेररिज्म था वो इन एरियाज में था, मतलब कश्मीर के मेजर एरियाज में था। अगर कश्मीर के भी मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये बारामूला का एरिया आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद आपको ये बड़गाम का एरिया दिखाई दे रहा होगा, पुलवामा यहां पर अटैक हुआ था आपको पता ही है, शोपियान आपको दिख रहा है, अनंतनाग आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस रीजन में बाय एंड लार्ज इस पूरा टेररिज्म हुआ करता था, लेकिन अभी ये टेररिज्म का शिफ्ट देखा जा रहा है। अब ये टेररिज्म का शिफ्ट आपने देखा कि रियासी में अटैक हुआ, बगल में यहां पर डोडा, यहां पर अटैक हुआ, कठुआ में अटैक हुआ, सांबा में धमकी दी गई थी अटैक नहीं हो पाया, और अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये कहा जा रहा है कि रजौरी और पुंछ, ये जो दो रीजन है, ये भी देखो आप पीर पंजाल रेंज के नीचे हैं, तो ये रहा पुंछ और ये रहा रजौरी, तो ये जो दो रीजन्स हैं पुंछ और रजौरी, यहाँ पर बड़ी मात्रा में मीरपुर से, ये मीरपुर जो दिख रहा है ये POJK जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर का रीजन है, वहाँ पे पड़ता है ये मीरपुर, और वहाँ से इन्फिल्ट्रेट करके पुंछ और रजौरी में बड़ी मात्रा में ये टेररिस्ट घुसे हैं, इन्फिल्ट्रेट किए और वहीं पर छिपे हुए हैं, और ये दो दो, और ये एक साथ नहीं रह रहे हैं कहीं पर भी, ये दो दो तीन तीन का जो ग्रुप है उसको बना करके ये ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है। अब देखो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो सिस्टम होते हैं ऑपरेट करने के हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, एक तो फर्स्ट टायर सिस्टम काउंटर टेररिज्म का फर्स्ट टायर सिस्टम होता है जहां पर मेन हमारी बॉडी यानी कि BSF CRPF ये लोग ऑपरेट करते हैं। दूसरा जो है सेकंड टायर काउंटर टेररिस्ट ग्रिड जो होता है, इसका मतलब ये है कि हमारे जो इन्फॉर्मेशंस हैं, इन्फॉर्मेंट्स हैं जो लोकल पुलिसिंग के, उनको एक्टिव किया जाता है, जो हमारी टेक्निकल इन्फॉर्मेशंस हैं उनको गैदर करने की कोशिश की जाती है, गाँव से छोटे छोटे उससे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस की, इसको देखा कब देखा
कब देखा, यहाँ से कितने लोग गए, कितने कैसे थे, उनकी भाषा कैसी थी, दिखने में कैसे थे, लंबे थे, चौड़े थे, मतलब ऐसी जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं, जो बेसिक पुलिसिंग की आपने कई सारी मूवीज़ देखी होगी, देखा होगा उसमें कि पुलिस वाले इन्फॉर्मेंट्स रखते हैं अपने, जो उनको इन्फॉर्म करते हैं कि साहब जिसको आप खोज रहे थे ना वो अभी घूम रहा था और वो अभी उसकी रात में ट्रेन है, उसको पकड़ लो, तो ऐसे ही आपने सुना होगा। तो वैसे ही इन्फॉर्मेंट्स सच में ऐसे ही पुलिस काम करती है, वो अपने बेसिक जो मुखबिर होते हैं उनके थ्रू काम करती है। अच्छा, और पुलिसिंग में भी ना ये चेंज आया है टेक्नोलॉजी के बाद, अब जो पुलिसिंग है वो बाय एंड लार्ज टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है। बाय एंड लार्ज उनको चाहिए कि वो मोबाइल को पहले ट्रेस करते हैं, सिम कार्ड्स को ट्रेस करते हैं और ऐसे ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं, कॉल डिटेल्स निकालते हैं, देखते किससे किससे बात हुई, फिर उससे पूछताछ करते हैं। ये अब पुलिसिंग हो गई है। पहले की जो पुलिसिंग थी दैट वाज ऑल अबाउट द इन्फॉर्मेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द मुखबिर का कितना इन्फॉर्मेशन है उनके पास। आप कभी भी देखना पुरानी मूवीज़ और आज की मूवीज़ में वो डिफरेंट आपको डिफरेंस वो नज़र आएगा, तो वो डिफरेंस आपको जम्मू एंड कश्मीर में भी नज़र आ रहा है। लेकिन अभी क्या किया गया जम्मू एंड कश्मीर में कि सेकेंड टायर काउंटर टेररिस्ट ग्रिड को दोबारा से एक्टिव करने की बात हो रही है, बिकॉज जो ये साउथ ऑफ पीर पंजाल एरिया में जो ये टेररिज्म देखा गया है, तो कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा है सिक्योरिटी एजेंसीज द्वारा कि इनको लोकल सपोर्ट तो 100% है, और इसीलिए वहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों को मिला करके, दोनों के जो भी इनपुट्स हैं उनको गैदर करके कोई भी एक्शन वहाँ पर लिया जाएगा। और जम्मू एंड कश्मीर कहने की बात यह है कि वो अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव बना हुआ है। अब ये चीज़ें न्यूज़ में मेन स्ट्रीम मीडिया में इसलिए भी नहीं आ सकती बिकॉज एक पैनिक क्रिएट होता है, बट ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि ये ऑपरेट कैसे करते हैं, पीर पंजाल रेंज के नीचे ही क्यों अभी ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू गिव अ मैसेज। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उन्होंने श्रीनगर में एक मीटिंग रखी आफ्टर 370, पहली बार उन्होंने कोई मीटिंग रखी थी 370 में, और 370 के बाद हाई लेवल मीटिंग थी ये, हाई लेवल टॉक्स थी ये। हालांकि इसका एजेंडा तो बिल्कुल डिफरेंट है जो हमने देखा है, लेकिन 100% यहां पर काउंटर टेररिज्म की बात 100% की गई है, बिकॉज वहां पर अजीत डोवाल को बुलाया गया, समन किया गया, LG जो थे वो मौजूद थे वहां पर, मनोज सिन्हा, तो इन लोगों का प्रेजेंट होना वहां पर अपने आप में ये आपको बताता है कि कहीं ना कहीं वो काउंटर टेररिज्म की बात तो 100% हो रही होगी, बिकॉज जिस तरीके से 3 दिन में 4 अटैक देखे गए थे जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज़ वेरी वेरी डिस्टर्बिंग। और लोकल सपोर्ट जो मिला है इन टेररिस्ट को, आपने देखो कि 40-50 कम से कम जो यूथ थे उनको डिटेन, यूथ नहीं मैं कहूँगा मतलब जो जम्मू कश्मीर के रेसिडेंट्स हैं जो कि इंडियन सिटीजन है, उनको डिटेन किया है अभी पुलिस ने, उनको डिटेन किया अभी इसी हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, तो वो एक बहुत डिस्टर्बिंग फैक्ट है, बिकॉज ये चीज़ दोबारा से शुरू हो रही है। जो लोकल सपोर्ट है जो देखा जाता था पहले वो JKLF वाले टाइम पर, कि लोकल सपोर्ट कहीं ना कहीं टेररिस्ट को मिलता था और इसीलिए ऑपरेट कर पाते थे बड़ी मात्रा में, वो लोकल सपोर्ट टूट गया था। और अभी इलेक्शन में आप देखो किस तरीके से जमकर के लोगों ने वोट दिया, तो ऐसा माना जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अब शांत हो जाएगा आने वाले टाइम में, क्योंकि लोकल्स जो हैं वो अब मानने लगे हैं कि जम्मू कश्मीर को हमें बहुत अच्छे से इंक्लूड करना चाहिए भारत में, क्योंकि अभी वो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, और जब वो भारत में इंक्लूड होगा तभी उसकी तरक्की होगी। पाकिस्तान का जो हश्र है वो देख करके ऐसा किया जा रहा था, लेकिन अब जो है ये जो घटनाएं हुई हैं चारों, इनको देख करके जो लोकल सपोर्ट मिला है इन टेररिस्ट को, वो एक बहुत बड़ी डिस्टर्ब करने वाली बात है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा क्यों जम्मू एंड कश्मीर इतने हाई अलर्ट पे है, और अभी फिर से सिक्योरिटी फोर्सेस का ये इंटेल आया है कि 40-50 इन्फिल्ट्रेट करके जो फॉरेन टेररिस्ट हैं वो अभी एक्टिव हैं, 2-2, 3-3 की ग्रुप बना करके वो कहीं ना कहीं रेकी कर रहे हैं, कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको भी इससे सतर्क रहना है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो अनअकैडमी टीम ने ना इस बार UPSC CSE 2023 में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, 300 से भी ज़्यादा सेलेक्शंस दिए, और अगर आपने 2024 का प्रीलिम्स दिया है और आप क्लियर कर रहे हो उस प्रीलिम्स को, तो वेल एंड गुड, क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम आपको मेंस में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। डिस्क्रिप्शन में हमने उस क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम का लिंक दिया हुआ, आप जाकर के एक बार चेक कर लेना, इट इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम विच विल हेल्प यू इन मेंस। और अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं भी हो रहा है तो कोई इशू नहीं, अगर आप दोबारा से प्रिपेयर करना चाहते हो पूरी मेहनत और लगन के साथ, या आप फ्रेशर हो और 2025 का पहली बार अटेम्प्ट देने जा रहे हो, तो अनअकैडमी ने आपके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज लाया है। अनअकैडमी ने जो अपनी कोर्स फीस थी UPSC CSE की, जो 1.5-2 लाख तक चली जाती थी, उसको बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और उस कोर्स फीस को सिर्फ और सिर्फ 24,999 कर दिया है। मतलब इस प्राइस में आपको अनअकैडमी में इंडिया के टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं, जो आपको पता होगा प्रणाल सर, सुदर्शन सर, प्रतीक सर, वो सारे फैकल्टीज आपको सिर्फ और सिर्फ 24,999 में पढ़ाएंगी। प्लस इसकी सबसे खास बात यह है कि आपको इसमें अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा सारे बैचेस के अंदर में, मतलब आपको सारे बैचेस दे दिए जाएंगे, आप जिस बैच से चाहो उस बैच से जो सब्जेक्ट चाहो वो पढ़ सकते हो, जिस टीचर से आप चाहो। तो
कंप्लीट फ्रीडम है आपको, जितनी बार आप वीडियोस को चलाना चाहो उस पर कोई लिमिट नहीं है, उतनी बार आप वीडियोस को रन कर सकते हो। 15 महीने का ये कोर्स होने वाला है, इसमें जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ इंक्लूडेड है सिर्फ और सिर्फ इतने अमाउंट में। सिंपली आपको क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक पर जाकर के क्लिक करना है, और जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे तो वहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, और यूज कोड के ऑप्शन में आपको यूज करना है APYT10, तो आप इस कोर्स को डिस्काउंटेड प्राइस पर अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको आज का पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।